गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फोर्थ ए का मैथ एक्सरसाइज 12.2। चैप्टर चल रहा है आपका दशमलव। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के तीन समतुल्य दशमलव भिन्न लिखिए, यानी कि जो यहाँ पर आपको पॉइंट में अंक दिए गए हैं उनके समतुल्य भिन्न निकले हैं तीन, जैसे कि साधारण भिन्न में लिखे थे। अब देखिए 1.4, तो इसका समतुल्य भिन्न क्या होगा? जो हमारे पास पॉइंट संख्या दी है दशमलव की, उसमें हम जीरो बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए ये होगा 1.4, तो दूसरी समतुल्य होगी जीरो। ठीक ऐसे ही 1.4 तो दो जीरो और 1.4 3 जीरो। ठीक इस तरह से हमारी समतुल्य भिन्न बनेगी। ऐसे 7.23, 14.95 इनकी समतुल्य भिन्न लिखनी है। निम्नलिखित को स्तंभ में रखकर जोड़िए। स्तंभ में यानी कि इनको ऊपर नीचे, देखिए जैसे 2.3 और 4.2। अब इनको इस तरह से रखना है और फिर जोड़ना है, प्लस करना है। तो 3, 2, 5, दशमलव दशमलव, 4, 2, 6। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को करना है। ऐसे ही ये है, जैसे 1.2, 3.6, 2.1, इसको प्लस करेंगे तो देखिए 6, 7, 8, 1, 9, 5, 3, 2, 5 और 1, 6। ठीक इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। निम्नलिखित को स्तंभ में रखकर घटाइए, इनको भी स्तंभ में रख कर घटाना है, 0.9 और 0.2, जीरो दशमलव माइनस करेंगे, 9 से 2 माइनस होंगे 7.0। ऐसे ही 3.45 तो पॉइंट, पहले पॉइंट लगाएंगे फिर संख्या लिखेंगे अपनी, 9, 5, 2 माइनस, जब कुछ नहीं होगा तो वहाँ जीरो बढ़ाएंगे और कैरी लेंगे, तो यहाँ होगा कैरी लेने के बाद 10, 10 से 2 गए 8, या 4, 4 से 5 नहीं जाएंगे, फिर से दाएं लेंगे तो कितना होगा 14, 14 से 5 जाएंगे, कितना बचेंगे 9, यहाँ 3, फिर से इससे दाएं लेंगे तो 3, 13, 13 से 9 जाएंगे 4, 2 से 1 गया 1 दशमलव। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है शाब्दिक पृष्ठ, एक व्यक्ति के पास 100 रुपये थे, उसने 45.50 यानी 50 पैसे खर्च कर दिए, बताइए अब व्यक्ति के पास कितने रुपए शेष बचे? तो खर्च किए यानी कि घट गए रुपए, तो 100 में से 45 घटाएंगे, इस तरह से लिखेंगे और तब इसे घटाएंगे। ठीक देखिए बताया था नहीं तो वहाँ पॉइंट लगाएंगे, हाँ 0 यानी 100 रुपये 0 पैसे हैं, 0 से 0, 10 से 5 गए 5 पॉइंट, यहाँ 9 से 5 गए 4, 9 से 4 गए 5, तो कितना बचा 54.50 पैसे। ठीक है इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं।